Hi, good afternoon, Shelley. Good afternoon, Sangeeta. चलो, सो शेल वी बिगिन देन, स्टार्ट करें। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट देन। हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया था, सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ओके, सो वी विल बी मूविंग ऑन टू वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। अब वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स जो है, इनको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम या किसी भी किंगडम में कोई भी जगह नहीं मिली है। ओके, बिकॉज दे डू नॉट फुलफिल द क्रिटेरिया ऑफ लिविंग बींग्स, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ओके, सो दे डू नॉट फुलफिल द क्रिटेरिया ऑफ बींग ट्रूली लिविंग। तो ये कहाँ पे लाए करते हैं, वायरसेस हो या वायरॉइड्स हो या प्रियॉन्स हो, ये कहाँ पे लाए करते हैं? दे लाए इन बिटवीन द बाउंड्री ऑफ, दे लाए ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बाउंड्री होती है, दैट मीन्स यहाँ पे ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उस बाउंड्री पे वी फाइंड दीज एनिमल्स। ओके, लाइक वी शुडंट से इट एनिमल्स, एक्चुअली वी फाइंड दीज क्रीचर्स। तो ये क्या है, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, दे आर एक्चुअली ए सेल्यूलर, दे डू नॉट हैव अ सेल ऑफ देयर ओन। ठीक है, कोई फंक्शनल सेल नहीं होता है इनके पास, सो दे आर टर्म्ड एज ए सेल्यूलर। इनकी बॉडी किस चीज की बनी होती है, सो द बॉडी इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ओके, द बॉडी इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। इनका खुद का कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, खुद के पास कोई डीएनए या आरएनए नहीं होता। वंस दे अटैक अ होस्ट, किसी होस्ट पे अटैक करेंगे ये, उसके बाद उस होस्ट के डीएनए या आरएनए को यूटिलाइज करके ये खुद का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके पास खुद का कोई डीएनए या कोई आरएनए नहीं होता। नाउ दे हैव एन आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज नोन एज कैप्सिड। एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, The virus is having an outermost covering here. इस covering को हम बोलते हैं capsid. Okay? And there are several units in this capsid. Several unit. These capsids are made up of several units, smaller units, और हर smaller subunit को we call it as capsomere. ठीक है, हर smaller subunit को we call it as capsomere. अब जो अंदर में आप ये सब्सटेंस देख रहे हो, दिस स्पिंडल काइंड ऑफ सब्सटेंस, दिस इज द डीएनए और आरएनए दैट द वायरस विल गेन। ओके, दिस इज द डीएनए और द आरएनए दैट द वायरस विल गेन। ओके, नाउ नो वायरस एवर विल हैव बोथ आरएनए एंड डीएनए एट द सेम टाइम। नो वायरस एवर विल हैव डीएनए एंड आरएनए एट द सेम टाइम। या तो सिर्फ डीएनए ही प्रेजेंट होगा या फिर सिर्फ आरएनए ही प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ पे एक टाइम पे कभी भी नहीं प्रेजेंट होता है। नो वायरस कैन हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए एट द सेम टाइम। इज दैट क्लियर? दे आर नॉन सेल्यूलर, वी कैन राइट इट एज ए सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर को ए सेल्यूलर लिख सकते हैं। दे हैव नो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन, इनका कोई खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, लाइक हमारे बॉडी में हमारा खुद का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, पूरे टाइम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन चल रहा होता है, हमारी इंटरनल फिजियोलॉजी हम खुद ही मेंटेन करते हैं। सो दिस मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन इज नॉट अकरिंग इनसाइड अ वायरस। सो नो मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द होस्ट, किसी होस्ट के बाहर में कभी ये कोई मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते।
दीज आर पैरासाइट्स मेनली। तो जब तक ये किसी होस्ट पे अटैक नहीं करेंगे, किसी होस्ट के अंदर ये काम नहीं करेंगे, दे कैन नॉट हैव अ मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन। सिमिलरली दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्राइटेरियाज ऑफ बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, सेल होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए खुद का। सो ऑल दीज थिंग्स आर मिसिंग इन अ वायरस। ओके, दे डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म, खुद का कोई सेल नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, विच मेक्स वायरस अ नॉन लिविंग थिंग। जब तक ये होस्ट के बाहर है, आउटसाइड द होस्ट, इट इज नॉन लिविंग। ठीक है, होस्ट सेल के बाहर जब तक ये प्रेजेंट है, दे विल बी नॉन लिविंग। नाउ देर आर डिफरेंट शेप्स दैट वी स्टडी ऑफ अ वायरस। एक तो होता है हेलिकल शेप, ठीक है, हेलिकल शेप प्रेजेंट होता है। और ये जो आप सब्सटेंसेस देख रहे हो, राउंड सब्सटेंसेस, राउंड थिंग जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द आर एन ए। ओके, दिस इज योर आर एन ए। और ये किसका स्ट्रक्चर है? इट लुक्स लाइक अ सिगरेट। ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ कॉइल्ड, इंटरनली कॉइल्ड होता है, द आरएनए इज इंटरनली कॉइल्ड, और ऐसा कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टोबैको मोजाइक वायरस, व्हिच इज आल्सो नोन एज टीएमवी। नाउ इट इज इजी टू रिमेंबर, टोबैको मोजाइक वायरस से ही टोबैको बनता है, टोबैको इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स, सो यू कैन रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। This is of tobacco mosaic virus. This is given in your NCERT. Okay. Next is the polyhedral structure. ये जो polyhedral structure है, ये actually 3D structure होता है. So कुछ इस तरह से नजर आता है ये. थोड़ा सा अगर 3D बनाने की हम कोशिश करें, तो it looks somewhat like this. कुछ ऐसा सा नजर आता है ये, ठीक है? ये 3D होता है ये structure. So this 3D structure that we see, this is of adenovirus. Okay, another type of virus that we have, adenovirus. Now, अगर हम एक basic structure के बारे में बात करें, the next structure that is of bacteriophage. So the bacteriophage structure is made up of a head, जो upper most surface होता है, जो upper most part होता है, that is the head region. Okay, now this head, this is the capsomere. This is the capsid here, made up of several units called the capsomere. इस head के अंदर DNA, bacteriophage के case में genetic material क्या होता है? It is the DNA. अब bacteriophage क्या होता है? A virus that attacks bacterias. So it's not only the human beings or the plants or the animals that are suffering because of the viruses, it's also the bacteria that are suffering. Okay, so bacteria pe bhi attack karke unke DNA pe DNA ko ye self absorb karke they can manipulate their DNA, they can make it their own. So sabse upper portion jo yahan pe dekhne ko milta hai, this is your head which contains the DNA. उसके बाद एक छोटा सा रीजन होता है, विच इज द कॉलर रीजन। हेड के नीचे वी हैव द कॉलर रीजन, देन वी हैव द शीथ। ओके, देन वी हैव द शीथ, कॉलर के नीचे शीथ दिखता है हमें, एंड देन द लेग रीजन दैट वी हैव, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द टेल फाइबर्स। सो आ बैक्टीरियोफेज हैज दिस फ्यू स्ट्रक्चर, इट विल हैव अ हेड, इट विल हैव अ डी, इट विल हैव डीएनए इनसाइड दैट हेड स्ट्रक्चर, इट विल हैव अ कॉलर शीथ एंड टेल फाइबर्स। ठीक है, ये डायग्राम शो है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, लेट मी शो यू द डायग्राम्स। देखो, ये जो आप पहला डायग्राम देख रहे हो, इन विच यू सी द आरएनए एंड द कैप्सिड, दिस होल कवरिंग इज द कैप्सिड एंड ईच इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज द कैप्सोमियर। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी। यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, इस रीजन में जो रेड पोर्शन है वहां आप देख रहे हो आरएनए है, एंड दिस इज योर कैप्सिड, द ग्रीन रीजन दैट यू सी इज योर कैप्सिड। ओके, मेड अप ऑफ सेवरल कैप्सोमियर्स। चलो बैक्टीरियोफेज को देखो, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम यहाँ पे 3D में बनाने की कोशिश की हुई है, सो इट्स मोर
अप्रोप्रिएट, ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. इट्स अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. हेड जो होता है फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होता है, 3D में होता है. सो इट विल हैव अ लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ. दिस इज योर हेड रीजन. हेड के नीचे एक छोटा सा रीजन होता है विच इज योर कॉलर. उसके नीचे वी हैव द शीथ एंड दीज आर नोन एज योर टेल फाइबर्स. ठीक है, तो दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. यू नीड टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर. यू नीड टू रिमेंबर बोथ द स्ट्रक्चर्स. ओके, ये स्ट्रक्चर तो एग्जाम में आया हुआ है. टीएमवी का डायग्राम तो एक बार नीट के एग्जाम में आया हुआ है. सो यू नीड टू कीप अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अगर डायग्राम पूछा जाए एंड इफ दे आस्क यू टू लेबल इट, तो उस टाइम पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे आरएनए है कि डीएनए है. टीएमवी के पास डीएनए नहीं होता, टीएमवी के पास आरएनए होता है. सो यू नीड टू रिमेम्बर कि ये आरएनए प्रेजेंट है एंड दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इज प्रेजेंट हियर. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. बैक्टीरियोफेज के पास क्या प्रेजेंट होता है? सो डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरियोफेज के पास. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो याद रखनी होंगी एंड यू विल हैव टू रिमेम्बर द डायग्राम्स. ओके, चलो मूविंग अहेड. Now viruses. Viruses are known for infecting plants, infecting animals and infecting bacteria. Bacteria को जो viruses infect करते हैं उन्हें हम bacteriophage बोलते हैं. ठीक है, bacteriophage बोलते हैं उन bacteria को जो, sorry, उन viruses को जो bacteria को affect करते हैं. So all the bacteria that affect, all the viruses that affect the bacteria, all the viruses that are infecting the bacteria have dsDNA. ठीक है, dsDNA कहने का मतलब double stranded DNA होता है उनके पास. जितने भी viruses हैं that are affecting the plants, okay, affecting the plants, उनके पास होता है single stranded RNA. We just saw an example that was of TMV. तो जितने भी वायरसेस जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उन सब के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है. अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट. और एनिमल्स को किसी भी तरह का वायरस इन्फेक्ट कर सकता है. डीएसआरएनए भी कर सकता है, डीएसडीएनए भी कर सकता है और एसएसआरएनए भी कर सकता है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी एनिमल्स को इफेक्ट कर सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी. There is no such thing, as single stranded DNA. There is no such thing as single stranded DNA. Single stranded DNA जैसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, तो animals को कौन affect कर रहे हैं? Single stranded RNA वाले viruses, double stranded RNA वाले viruses और double stranded DNA वाले viruses. प्लांट्स को कौन इफेक्ट करते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरसेस. और बैक्टीरियोफेजेस में इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज डीएसडीएनए. ओके, क्लियर है यहां तक? चलो, नाउ द टर्म वायरस, दीज साइंटिस्ट आर इंपॉर्टेंट, इन सबका नाम इंपॉर्टेंट है. द नेम वायरस वॉज गिवन बाय पाश्चर. ओके, द नेम वायरस वॉज गिवन बाय पाश्चर. डीजे इवेनोस्की इज अनदर साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था कि सम माइक्रोब्स आर स्मॉलर देन बैक्टीरियाज. कुछ माइक्रोब्स हैं, एक छलनी जैसा होता है जिससे बैक्टीरियाज को भी पास करवाते हैं, वायरसेस को भी पास कराते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पास करवाते हैं. इट्स अ सीव प्लेट विच इज हैविंग वेरी माइन्यूट होल्स इन इट. तो उससे बैक्टीरिया पास नहीं कर पा रहे थे, बट द वायरसेस वर पासिंग थ्रू इट. सो डीजे इवानोस्की केम टू अ कंक्लूजन कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. दे कैन पास थ्रू द स्मॉल होल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सीव, बट द बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू इट. सो सम बैक्टीरिया आर बिगर दैन दीज माइक्रोब्स. द बैक्टीरिया आर बिगर दैन दीज माइक्रोब्स. ये माइक्रोब्स क्या है? तो ये माइक्रोब्स हैं वायरसेस. ओके, सो डीजे इवानोस्की एक्चुअली ही सेड दैट वायरसेस आर एक्चुअली स्मॉलर देन द बैक्टीरिया. वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया.
ठीक है. नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट बीजरेनिक, ही गेव द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम फॉर वायरसेस. दैट मीन्स दैट द फ्लूइड इन वायरस इज पॉइजनस. इट कैन कॉज डिजीज, इट कैन बी हार्मफुल. सो फ्लूइड इन वायरस इज पॉइजनस. दिस वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट बिचरेनिक एंड ही सेड दैट फ्लूइड्स इन वायरस इज पॉइजनस. कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. सो द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन वायरस दैट इज कंटेजियस, दैट इज transmittable, that is contagious and it is very poisonous. Okay, now structure pata karne ke liye, who crystallize the viruses, ki uske andar virus ka structure kya hai, uske liye hum ek process karte hain which is known as the crystallization method. So that was done by W.M. Stanley. Crystallization of virus was done by W.M. Stanley in the year 1935. ओके, सो यू नीड टू रिमेम्बर दीज फोर साइंटिस्ट हियर. एक तो हो गए पाश्चर, दूसरे हो गए इवानोस्की, देन इट्स बिजरेनिक एंड देन इट्स W.M. स्टैनली. ओके, किसने क्या काम किया था, यू विल हैव टू रिमेम्बर दैट. इज दैट ओके? चलो अब देखते हैं. वायरस वॉज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस. इट इज आइदर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. न्यूक्लियो प्रोटीन्स का हमने देखा था ना, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं वायरसेस. और इट्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. ओके, लाइक डीएनए एंड आरएनए. सो वायरसेस वर एक्चुअली मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड. अब हम वायरसेस के प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को अलग, अगर अलग अलग कर दें तो दो और ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे. वन विल बी योर वायरॉइड एंड दी अदर वन विल बी योर प्रियॉन. So what is a viroid? Viroid kya hota hai? It is naked. It is naked matlab isme capsid present nahi hoga. The proteinaceous layer, the protein layer is absent. Theek hai, humne alag kiya tha na protein aur nucleic acid ko. To nucleic acid hum de denge viroid ko aur protein hum de denge prion ko. So P for protein and P for prions. Okay? तो वायरॉइड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं. दैट मीन्स प्रोटीन लेयर और प्रोटीन कवर इज मिसिंग, इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए. इनके पास आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा पर कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा, हमेशा आरएनए होगा. वायरॉइड्स विल ऑलवेज हैव आरएनए एंड दैट टू ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. ओके, now this was discovered for the first time by T.O. Diener. Scientist hai ye T.O. Diener in the year 1971. So the viroids are naked organisms jisme protein layer missing hota hai, sirf nucleic acid present hota hai and the nucleic acid is low molecular weight RNA. theek hai, and this viroid was for the first time discovered by a scientist whose name was T.O. Diener in the year 1971. ab ye jo viroids hote hain they are again known for causing diseases. to ye kaun sa disease cause karte hain, they cause potato spindle tuber disease, PSTD. theek hai, PSTD कॉज करते हैं ये, दे कॉज PSTD विच इज नोन एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड दिस इज कॉज बाय वायरॉइड्स. वायरॉइड्स कॉज करते हैं PSTD. वायरॉइड्स फिर से रिवाइज करते हैं, दे आर नेकेड, दे डू नॉट हैव अ प्रोटीन लेयर, दे ओनली हैव न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का. इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज टीओ डायनर इन द ईयर 1971. एंड कौन से डिजीज को कॉज करते हैं, सो इट्स कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. पोटैटो का शेप चेंज हो जाएगा, पोटैटो विल स्टार्ट लुकिंग मोर लाइक अ स्पिंडल. ओके,
अब हमने प्रोटीन तो दे दिया है प्रायोन्स को, न्यूक्लिक एसिड दिया था वायरॉइड्स को, तो वायरॉइड्स के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था एंड द न्यूक्लिक एसिड दैट वाज प्रेजेंट वाज आरएनए। यस, गुड आफ्टरनून शाबेस, वील टॉक अबाउट इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड हमने दे दिया था वायरॉइड्स को एंड प्रोटीन्स हम किसको देंगे, प्रोटीन्स हम दे देंगे प्रायोन्स को, ठीक है। प्रोटीन्स विल बी गिवन टू प्रायोन्स, प्रोटीन्स दे दिया प्रायोन्स को, पर प्रायोन्स उस प्रोटीन को अच्छे से संभाल कर नहीं रख पाए एंड द प्रोटीन्स गॉट मिसफोल्डेड, ठीक है। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बोलते हैं, प्रायोन्स में जो प्रोटीन होते हैं वो मिसफोल्डेड होते हैं। तो प्रायोन्स में क्या मिसिंग होगा, न्यूक्लिक एसिड मिसिंग होगा, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। वायरॉइड्स के पास न्यूक्लिक एसिड होता है तो प्रोटीन मिसिंग होता है, प्रायोन्स के पास प्रोटीन होता है तो न्यूक्लिक एसिड मिसिंग होता है। पी फॉर प्रायोन, पी फॉर प्रोटीन्स, याद रखना है ऐसे। अब ये कौन से डिजीज कॉज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कॉज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ओके, बीएससी आल्सो नोन एज मैड काउ डिजीज। इसमें जो हमारी काउ होती हैं उनके इंसेफेलोपैथी लिखा है, तो इंसेफेलोपैथी को ब्रेक करो, इंसेफेलो मींस ब्रेन एंड पैथी मींस डिसऑर्डर, ओके। सो सम डिसऑर्डर रिलेटेड टू द इंसेफेलस, ओके। तो ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर हो रहा है, दैट इज नोन एज इंसेफेलोपैथी। सो बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी इज ऑल्सो नोन एज मैड काउ डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय प्रेयॉन्स, ठीक है। प्रेयॉन्स कौन से डिजीज कॉज करता है, बीएससी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में ये, ठीक है। एंड दे कॉज अनदर डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स व्हिच इज नोन एज सी आर जेकब डिजीज, ओके। सो दे कॉज अ डिजीज इन एनिमल्स व्हिच इज नोन एज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी एंड दे कॉज अ डिजीज इन ह्यूमंस व्हिच इज नोन एज सी आर जेकब्स डिजीज, ठीक है। तो ये याद रखना इन सबको, किससे कौन सा डिजीज कॉज होता है, एटलीस्ट यू कैन रिमेम्बर दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वायरस हियर, वायरस के बारे में इतना ही जानना है। क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली इतने से ही आना चाहिए, जनरली इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। एंड वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जितना भी कुछ लिखा हुआ है वी हैव कवर्ड मोर और लेस एवरी पॉइंट ऑफ इट। Yes, yes, correct. It is a brain disease caused by a pathogen. Correct. ठीक है, so with this we are done with the second chapter, that is your living world. Living world हमारा खत्म होता है यहीं पे. So we'll be moving on to a new chapter now. ठीक है, and that will be your chapter number 3, plant kingdom. So we'll be starting with plant kingdom right away. आज ही हम लोग plant kingdom start करेंगे. Okay, this is one of the most dreaded chapters, जो कि बहुत किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत डर लगता है, बहुत सारे problems attached है इसके साथ, plant kingdom के साथ. But I'll try to ensure कि आप लोगों को समझ में आए आज की class में. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो। अब अगर हम प्लांट किंगडम के बारे में बात करें, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा इज डन, किंगडम फंजा इज डन, सो दिस इज योर फोर्थ किंगडम हियर विच इज प्लांट किंगडम और किंगडम प्लांटे, ठीक है। अब किंगडम, ओके जस्ट अ सेकेंड, मोहम्मद शाबेज यू विल गेट द पीडीएफ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास के बाद, आज आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, और उसके बाद फिर प्लांट किंगडम का भी जो पीडीएफ आज हम कवर कर लेंगे वो आपको मिल जाएगा, सक्षम वाले ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ओके। सो पीडीएफ विल बी अपलोडेड एज सून एज द क्लास इज ओवर, और कुछ घंटों बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा इन सबका, ओके। सो हाँ,
अब प्लांट्स को हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और लेट मी से फाइव कैटेगरीज. ओके, वन इज योर एल्गी, एल्गी. सेकेंड इज योर ब्रायोफाइटा, थर्ड इज योर टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज योर जिम्नोस्पर्म, एंड फिफ्थ इज योर एंजियोस्पर्म. अपने आसपास जो पेड़ नजर आ रहे हैं, पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, दोज आर मोस्टली योर एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, हमारे अराउंड जो सबसे कॉमनली सीन प्लांट्स होते हैं, दोज आर योर एंजियोस्पर्म्स. अब एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ऐसे बहुत अच्छे से हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं व्हेन वी आर जस्ट अनोवाइस इन द प्लांट किंगडम. जब हम लोगों को नहीं पता होता है प्लांट किंगडम के बारे में, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो ऐसे नॉर्मली हम लोगों के लिए पहचानना डिफिकल्ट होता है कि कौन सा टेरिडोफाइटा है, कौन सा जिम्नोस्पर्म है, कौन सा एंजियोस्पर्म है. ठीक है, एल्गी क्या होता है? तो एल्गी मोस्टली अगर आप देखना चाहो तो तालाब के ऊपर एक लेयर, एक चादर जैसा बिछा होता है ग्रीन कलर का, विच इज स्लाइमी इन टेक्सचर, बहुत गंदा सा नजर आता है, जनरली गंदे तालाबों के ऊपर नजर आता है. सो दैट इज योर एल्गी. ओके, द ग्रीन थिंग दैट यू सी ऑन द सर्फेस ऑफ द डर्टी वॉटर बॉडीज, तालाब, झील, इन सब पे जो नजर आता है, दैट इज योर एल्गी. एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज एल्गल ब्लूम, राइट? एल्गल ब्लूम भी हम इन्हें बोलते हैं जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं, तो वी ऑल्सो कॉल इट एज एल्गल ब्लूम. अब एल्गी के बारे में बात करें तो द फर्स्ट लाइफ दैट वॉज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ इज सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड इन वॉटर. सबसे पहली बार जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था अर्थ पे, कहा जाता है कि इट वॉज ओरिजिनेटेड, लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड इन वॉटर. वॉटर में लाइफ का ओरिजिन हुआ है. तो ऑब्वियसली जो हमारे सबसे प्रिमिटिव कहने का मतलब सबसे पुराने जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे वॉटर में ओरिजिनेट हुए होंगे. ठीक है, तो हमारे सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स जो है हमारे, दैट इज योर एल्गी. एल्गी को हम सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स मानते हैं. अब कहा जाता है कि मोर देन 50% ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली बाय एल्गी. एल्गी जो है 50% या उससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस अकेले ही करवा रहा है. ओके, ग्रीन एंड येलो कलर ऑफ एल्गी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस of water is seaweed. Okay, seaweed that is actually algae ही होता है वो. ठीक है, so the surface that you are seeing, the greenish color, that is mostly the algae. Okay, अब फोटोसिंथेसिस जो है वो 50% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवा रहा है. हमने किंगडम प्रोटिस्टा में देखा था एक ऑर्गेनिज्म को विच वॉज द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, इफ यू रिमेम्बर द नेम, दैट वॉज क्राइजोफाइटा. तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस यही करवा लेते हैं. तो जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, बड़े प्लांट्स हैं जो जैसे कि आम का पेड़ हुआ, या फिर बैनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, इन सब में फोटोसिंथेसिस कंपैरेटिवली कम हो रहा होता है, क्योंकि 50% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस अकेला एल्गी करवा रहा है. एंड द अदर वेरी कॉमनली नोन ऑर्गेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फोटोसिंथेसिस इन ह्यूज अमाउंट इज योर क्राइजोफाइट्स. ओके, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन फॉर their photosynthetic capability. They have chlorophyll present. इनके पास chlorophyll present होता है. आगे जब हम distinguish करेंगे कि तीन तरह के algae होते हैं, that is your green algae, that is red algae and brown algae, तो वहां पे हम देखेंगे कि chlorophyll के pigments vary करते हैं. क्लोरोफिल ए सभी में प्रेजेंट होता है, पर क्लोरोफिल बी, सी और डी जो है वो वेरी करता है, ग्रुप ग्रुप में ये वेरी कर जाता है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एल्गी, एल्गी का जो फॉर्म होता है, एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट वेरीज ग्रेटली. इट कैन बी अ सिंगल सेल्ड एल्गी, इट कैन बी क्लोरेला, क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनस आर सिंगल सेल्ड एल्गी. इट कैन बी फिलामेंटस, फिलामेंट्स फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिल करके दे कैन फॉर्म अ फिलामेंट. दैट एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा. इट कैन बी कोलोनियल, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो स्मॉल एल्गी, दे सेग्रीगेट टूगेदर टू फॉर्म कॉलोनीज. ठीक है,
तो एल्गी कितने तरह के हो सकते हैं? दे कैन बी सिंगल सेल, द एग्जाम्पल इज क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनस। इट कैन बी फिलामेंटस, योर एग्जाम्पल इज स्पाइरोगायरा। यस शेली, करेक्ट। क्राइजोफाइट्स आर नोन फॉर कॉजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्राइजोफाइटा के बारे में पढ़ा था कल के क्लास में। ओके, सो कोलोनियल कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो उसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। ठीक है, वॉल्वॉक्स। सो यू नीड टू रिमेम्बर दीज एग्जाम्पल्स। एल्गी जो है वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, सिंगल सेल भी हो सकते हैं। दैट इज योर क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनस। फिलामेंटस भी हो सकते हैं, दैट इज योर स्पाइरोगायरा। कोलोनियल भी हो सकते हैं, वॉल्वॉक्स। और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फिलामेंटस होते हैं, दे आर लार्ज इन साइज। लेट्स से ये आपका ओशियन है, ये आपका ओशियन है, ठीक है, या साइड में ड्रॉ कर रहे हैं। ओशियन इज वेरी डीप, या सी है, बहुत डीप है। तो ये वॉटर के सर्फेस, जो लोअर सर्फेस होता है ना, जो सबसे नीचे का जो एरिया होता है, वहां से ये अराइज करते हैं और ये ऊपर तक आपको नजर आएंगे। ठीक है, दे कैन बी दैट लार्ज। और इन एल्गीज को हम बोलते हैं केल्प्स। केल्प शो है, वो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल होते हैं। केल्प शो है, दे कम अंडर ब्राउन एल्गी। ओके, सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में, वो हम अभी इस क्लास में क्लियर करेंगे। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, दैट इज स्पोरोफाइटिक स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज। हैप्लॉइड कौन सा है, डिप्लॉइड कौन सा है, कौन से ऑर्गेनिज्म की प्लांट बॉडी कैसी है, कौन सा स्पोरोफाइटिक है, कौन सा गेमेटोफाइटिक है, ये सारे कंफ्यूजन्स हम क्लियर करेंगे। प्लस फर्स्टली वील बी स्टडिंग अबाउट द हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहले, सबसे पहले हम हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो वील बी स्टडिंग अबाउट हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन दिस क्लास टूडे। अब ब्रायोफाइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एल्गी जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं या फिर मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर। यस, इट इज 100 मीटर मैसिव एल्गी, केल्प्स, करेक्ट। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड स्मॉल साइज। ओके, मल्टी सेल्यूलर एंड स्मॉल साइज। टेरिडोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर। और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो है वो हमारे लेटेस्ट प्लांट्स हैं, एडवांस प्लांट्स हैं, सो ऑफकोर्स दे विल बी मल्टी सेल्यूलर। अब देखो, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स, ये जो है ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, अर्ली प्लांट्स हैं। जब एंजियोस्पर्म्स नहीं आए थे, उससे पहले से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट हैं। सो दीज आर प्रिमिटिव प्लांट्स। टेरिडोफाइट्स, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, दीज आर प्रिमिटिव प्लांट्स, आदम जमाने के प्लांट्स हैं ये। ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड। जितने भी हमारे प्रिमिटिव प्लांट्स होंगे वो कभी भी सीड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। जितने भी हमारे प्रिमिटिव प्लांट्स होंगे उनको, उनके गैमीट्स को मूव करने के लिए हमेशा वाटर चाहिए होगा। दे गैमीट्स कैन नॉट मूव, द फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस वजह से इनका जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए पानी चाहिए। सीड ये प्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या होगा, ये एक लिमिटेड एरियाज में प्रेजेंट होंगे। अब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें कि उसके सिस्टम्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सिस्टम्स नहीं है उसके, दैट ऑर्गेनिज्म विल ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू इवॉल्व। ठीक है, वो इवोल्यूशन करके, वो खुद को इवॉल्व करके, इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स बेटरमेंट। तो टेरिडोफाइट्स तक हमारे पास प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, पर टेरिडोफाइट्स के बाद वी सी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स के बाद हमारे पास जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। नाउ दीज आर एडवांस्ड प्लांट्स। ओके, टेरिडोफाइट्स एंड सॉरी जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर एडवांस्ड प्लांट्स। ये प्रिमिटिव नहीं है, ये एडवांस्ड है। तो जो प्रिमिटिव थे वो सीड नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे। जो एडवांस प्लांट्स होंगे
उनके पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक डिफरेंस जो जानने की जरूरत है वो ये है कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, दीज थ्री आर प्रिमिटिव प्लांट्स, और प्रिमिटिव प्लांट्स सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके गेमीट को मूव करने के लिए वाटर चाहिए होता है, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर एडवांस्ड प्लांट्स, वो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनके साथ ऐसा वाटर वाला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज ये याद रखना कि प्रिमिटिव कौन से हैं और एडवांस कौन से हैं। प्रिमिटिव सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, एडवांस सीड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, लुक एट दिस डायग्राम हियर। अगर नॉर्मली आप देखो तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलता है कि कौन से ब्रायोफाइट्स हैं, कौन से टेरिडोफाइट्स हैं, कौन से जिम्नोस्पर्म्स हैं, कौन से एंजियोस्पर्म्स हैं। अब जो आपको पानी में जो काई नजर आता है, द ग्रीनिश कार्पेट दैट यू सी स्टैग्नेंट वाटर में जो काई नजर आता है, दैट इज योर एल्गी। ठीक है, तो एल्गी बहुत स्मॉल माइन्यूट से नजर आते हैं। ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स ऑब्वियसली प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, तो इनके पास सीड नहीं होगा, सीड नहीं होगा क्योंकि ये प्रिमिटिव प्लांट है, बताया था अभी। टेरिडोफाइट्स अगेन विल बी सीडलेस क्योंकि प्रिमिटिव प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स। ओके, अब जितने प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं ना वो नॉन वैस्क्यूलर होते हैं, तो ब्रायोफाइट इज नॉन वैस्क्यूलर। टेरिडोफाइट्स में वैस्क्यूलर सिस्टम जो है धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इट्स नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड हियर, बट डेवलपमेंट इस स्टेज पर स्टार्ट हो जाता है, बट इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, नॉट फुल्ली डेवलप्ड। जिम्नोस्पर्म्स के केस में दीज आर एडवांस प्लांट्स, तो वैस्क्यूलर भी होंगे और सीड भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब जितने भी हमारे प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं उनमें गैमेटोफाइट ज्यादा डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट उनमें बहुत डोमिनेंट होता है, और जितने भी एडवांस प्लांट्स होते हैं उनमें हमारा स्पोरोफाइट डोमिनेंट के होने की तरफ इंक्लाइन करता है। ठीक है, अब देखो जिम्नोस्पर्म्स को कॉनिफर्स भी बोलते हैं, ये मेनली हिली एरियाज में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन हिली एरियाज जहां पे बर्फबारी होती है, जहां पे स्नोफॉल होता है, तो ये हिली एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। कॉनिफर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके लीफ जो होते हैं दिस इज कोन लाइक, कोन शेप्ड लीफ होता है इनका। ठीक है, तो जितना भी आपका मॉइस्चर या फिर स्नोफॉल होगा इट विल नॉट स्टे ऑन द लीफ, बट इट विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन द लीव्स। ओके, स्पाइनी स्ट्रक्चर्स, कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो नोन एज कॉनिफर्स। ट्रैकियोफाइट्स हम टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को ही हम ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं, जस्ट रिमेंबर दीज टर्मिनोलॉजीज। ब्रायोफाइट्स में हम दो डिविजन पढ़ेंगे, वन विल बी योर मॉसेस, द अदर वन विल बी योर लिवरवॉर्ट्स। टेरिडोफाइट्स में हमारे पास फर्न्स आता है, जिम्नोस्पर्म में हमारे पास पाइन्स, स्प्रूस और रेडवुड आता है, और एंजियोस्पर्म वी नो ऑल द ट्रीज दैट वी सी अराउंड अस, द नीम ट्री, पीपल ट्री, लिली, मेपल, ओक, रोज, जितने भी प्लांट्स हम देख रहे हैं, बैनियन ट्री, दीज आर ऑल कमिंग अंडर एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बीच में। कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक, और वी विल स्टार्ट विद द साइकल्स, हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकल्स। ठीक है, चलो हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकिल। प्लॉइडी पता है ना क्या होता है, प्लॉइडी पता है 2n और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड किसको बोलते हैं, जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। हैप्लॉइड बोलते हैं n को जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ एक सेट होता है। डिप्लॉइड किसको बोलते हैं, डिप्लॉइड मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, टू सेट्स, डिप्लॉइड इज 2n। ठीक है, हैप्लॉइड होता है n, डिप्लॉइड होता है 2n। जहां कहीं भी हैप्लॉइड होगा वो होगा हमारा गैमेटोफाइट,
ठीक है, ये याद रखना, हैप्लॉइड मतलब गेमिटोफाइट, हैप्लॉइड का मतलब गेमिटोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं, डिप्लॉइड का मतलब स्पोरोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ये याद रख लो। ठीक है, ये जिस भी तरह से याद रख पाओ ये याद रखो कि स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड एंड गेमिटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड एंड गेमिटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, जो 2n है उसमें मियोसिस पॉसिबल है, मियोसिस हो करके वो n बना सकता है, जो ऑलरेडी 2n है उसमें मियोसिस पॉसिबल है वो n बना सकता है, जो पहले से ही n है, जो पहले से ही हैप्लॉइड है उसमें हम मियोसिस नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसमें माइटोसिस होता है। तो हैप्लॉइड आर गेमिटोफाइट्स, डिप्लॉइड आर स्पोरोफाइट्स। डिप्लॉइड या स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, हैप्लॉइड या फिर गेमिटोफाइट में मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पांच क्लासेस का नाम हम लिखे हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब कौन सा हैप्लॉइड होता है, कौन सा डिप्लॉइड होता है? जैसे जैसे हम प्रिमिटिव की तरफ जाएंगे ना, वो सारे हैप्लॉइड होते हैं, जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड हैं। जो हैप्लॉइड होंगे उनमें कौन डोमिनेंट होगा? गेमिटोफाइट डोमिनेंट होगा। याद रखना, हैप्लॉइड जब भी बोले तो गेमिटोफाइट। ठीक है, हैप्लॉइड जब भी बोले तो गेमिटोफाइट, और जब भी हम बोले डिप्लॉइड उसका मतलब स्पोरोफाइट है। ओके, तो जितने प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल बी हैप्लॉइड बॉडी और गेमिटोफाइटिक बॉडी, और जैसे जैसे हम प्रिमिटिव से एडवांस ग्रुप के तरफ जाएंगे, एल्गी से, ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इधर सबसे प्रिमिटिव है, एल्गी सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पहले एल्गी आए थे, और सबसे न्यू, सबसे एडवांस जो है वो है एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे हम प्रिमिटिव से एडवांस के तरफ जाएंगे, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड के तरफ चेंज होने लगेगा। पहले के ऑर्गेनिजम्स जो थे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, दे वर हैप्लॉइड इन नेचर, दे हैड द मेन प्लांट बॉडी एज गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी। पर जो एडवांस्ड प्लांट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टेरिडोफाइटा, उनमें डिप्लॉइड प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी देखने को मिलने लगता है। ठीक है, अब जब हम बोल रहे हैं कि प्रिमिटिव प्लांट्स में हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है या गेमिटोफाइट है, और एडवांस प्लांट में डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है या स्पोरोफाइट है, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो हैप्लॉइड है उसमें कोई डिप्लॉइड स्टेज होगा ही नहीं। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसमें भी कभी ना कभी डिप्लॉइड स्टेज नजर आता है। ठीक है, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनमें भी कभी ना कभी डिप्लॉइड स्टेज नजर आता है, पर वो जो डिप्लॉइड स्टेज होता है वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द हैप्लॉइड स्टेज। जो डिप्लॉइड स्टेज होता है वो खुद को सर्वाइव नहीं कर सकता है, और वो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए आता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज में डिप्लॉइड स्टेज भी कभी ना कभी आएगा, पर बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, सिमिलरली डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में कभी ना कभी हैप्लॉइड स्टेज आएगा, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में कभी ना कभी हैप्लॉइड स्टेज आएगा, कभी ना कभी हैप्लॉइड स्टेज आएगा, पर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में बहुत छोटे टाइम के लिए हैप्लॉइड स्टेज आएगा। ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में छोटे से टाइम के लिए डिप्लॉइड स्टेज आ सकता है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में छोटे से स्टेज के लिए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हैप्लॉइड स्टेज आ सकता है। ठीक है, चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ये चीज तो समझ रहे हो, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड तो समझ रहे हो ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताना। आप देखो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का मतलब होता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेजेस
कीप ऑल्टरनेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम इन प्लांट्स. प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस का ऑल्टरनेशन होता रहता है. हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड आता है, डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड. तो ये साइकिल चलता रहता है. ये जो जेनरेशन का ऑल्टरनेशन है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड, इस स्टेज को हम लोग, इस फेज को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. अब एक चीज और समझो यहाँ पे, किसी ऑर्गेनिज्म में या तो उसका प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक हो सकता है, स्पोरोफाइटिक हो सकता है कोई प्लांट बॉडी, या तो कोई प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक हो सकता है. या तो किसी प्लांट में गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हो सकता है या फिर स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी हो सकता है. ठीक है, स्पोरोफाइटिक या गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हो सकता है. स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कहने का मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है. ठीक है, जब भी स्पोरोफाइटिक सुनो मतलब डिप्लॉइड है. गैमेटोफाइटिक कहने का मतलब कि ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है. ठीक है, हैप्लॉइड है. गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा. स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, एडवांस्ड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा. पर दोनों ही स्टेजेस सब में किसी ना किसी टाइम पीरियड के लिए आते ही आते हैं. ठीक है, किसी ना किसी टाइम पीरियड के लिए दोनों स्टेजेस आते ही आते हैं. अब ये डिप्लॉयड है तो इसको यहाँ पे 2n लिख देते हैं, ये हैप्लॉयड है तो इसको यहाँ पे n लिख देते हैं. स्पोरोफाइटिक जब भी होगा तो वो स्पोर बनाएगा. स्पोरोफाइटिक हमेशा स्पोर बनाएगा. ठीक है, स्पोरोफाइटिक हमेशा स्पोर बनाएगा. गैमेटोफाइटिक हमेशा गैमीट बनाएगा. स्पोरोफाइटिक हमेशा स्पोर बनाएगा, गैमेटोफाइटिक हमेशा गैमीट बनाएगा. 2n जब भी नजर आए तो हम लोग मियोसिस करवा सकते हैं. ठीक है, अगर 2n नजर आ रहा है तो हम लोग मियोसिस करवा सकते हैं, मियोसिस करवा सकते हैं 2n का. अब जब भी आपको हैप्लॉइड स्टेज नजर आ रहा है, सिर्फ n नजर आ रहा है, तो ये बेचारा ऑलरेडी n है. इसका रिडक्शनल डिवीजन करा के इसको कहां ले जाओगे? और तो इसमें मायोसिस नहीं, मियोसिस नहीं करा सकते, इसमें माइटोसिस करा सकते हैं. ठीक है, तो गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगा, स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा. ठीक है, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, तो 2n से क्या बन जाएगा? n बन जाएगा. माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, तो n से क्या बनेगा? n ही रह जाएगा. अब ये गैमीट जो है ये जर्मिनेट करके दोबारा से स्पोरोफाइट बना लेता है, और ये जो स्पोर है ये भी जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है. जर्मिनेट करके या फ्यूजन होता है, मियोसिस है तो मोस्टली फ्यूजन होगा. पर देखो साइकिल बन गया ना, स्पोरोफाइट से स्पोर बना, फिर उससे गैमेटोफाइट बना, फिर उससे गैमीट बना, फिर स्पोरोफाइट बन गया. तो ये साइकिल चलता रहेगा. पर जो गैमेटोफाइटिक प्लांट्स होंगे हमारे, उनमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा. जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होंगे हमारे, उनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा. ठीक है, यहां तक क्लियर आ गया? क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग हैप्लॉइड स्टेज पे जा सकते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे. ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पर इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक पीडीएफ वैसे आपको मिल जाएगा सारा. चलो, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वही था जो अभी ड्रॉ करके दिखाए, दैट वाज योर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हम लोग पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, हैप्लो डिप्लॉन्टिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इंडिविजुअली सारे क्लासेस को देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, गैमेटोफाइट प्रेजेंट है. हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइट. कौन सा ऑर्गेनिज्म? एल्गी. प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं. ठीक है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है. अब देखो, एल्गी का जो बॉडी होता है ना, दैट इज थैलॉइड.
थायलॉइड मतलब जैसे मेरे बॉडी में हाथ नजर आ रहा है, पैर नजर आ रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। एक प्लांट को अगर निकालोगे मिट्टी से तो उसमें रूट नजर आएगा, लीफ नजर आएगा, स्टेम नजर आएंगे, फ्रूट्स, फ्लावर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। एल्गी में ऐसा कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, इट इज नॉट डिफ्रेंसिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, तो ऐसे बॉडी को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलॉइड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे एक थैलॉइड बॉडी हम ड्रॉ कर दिए है। ठीक है, इट इज ऑलरेडी ड्रॉन, द पीडीएफ दैट यू विल गेट उसमें ये सारा ड्रॉइंग बना हुआ रहेगा, तो अभी बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब बना हुआ रहेगा उसमें। ठीक है, बस वो साइकिल का स्क्रीनशॉट लेने बोले थे, बस वो ले लेना, बाकी ये सब बना हुआ रहेगा। एक कोई हमारा लेट से मेल थैलस है, मेल थैलस है, फीमेल थैलस है। अब ये रूट, स्टेम, लीफ में ही डिवाइडेड नहीं है, तो हम लोग क्या ही पहचानने जा रहे हैं कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है। मतलब एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग जो साइंटिस्ट नहीं है, हम लोगों को नहीं पता कि कैसे थैलस को पहचानना है मेल और फीमेल। अभी तो एक किसी को मेल मान लो, एक किसी को फीमेल मान लो। अब इसमें प्लांट बॉडी कैसा है, प्लांट बॉडी कैसा होता है एल्गी का, तो एल्गी में प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। ओके, इट इज गेमिटोफाइटिक, इट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्टेज है यहाँ पे, प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ठीक है, तो अब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में मियोसिस नहीं हो सकता, अभी बताए थे। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में कभी मियोसिस नहीं हो सकता, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में हमेशा माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस हो करके गेमीट प्रोड्यूस करेंगे। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में जब गेमीट प्रोड्यूस करना है तो माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस हुआ और यहाँ पे गेमीट्स प्रोड्यूस हुए। द मेल विल बी प्रोड्यूसिंग द मेल गेमीट एंड द फीमेल विल बी प्रोड्यूसिंग द फीमेल गेमीट। ओके, तो यहाँ पे मेल गेमीट और फीमेल गेमीट बनते हैं। माइटोसिस हो रहा है तो एन से एन बनेगा। ठीक है, एन से एन बनता है। अब क्या होगा, दिस मेल गेमीट एंड दिस फीमेल गेमीट विल फ्यूज, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्यूजन होगा। अब एन प्लस एन क्या बनता है, एन प्लस एन फॉर्म्स टू एन, एन प्लस एन मिल करके टू एन बनाता है, टू एन इज नाउ द जायगोट। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फ्यूजन हुआ, इट फॉर्म्स अ जायगोट। ठीक है, अब ये जायगोट जो है ये फर्दर माइटोसिस नहीं शो करेगा, ये जो जायगोट है हमारा ये सिंगल सेल यूनिसेल्यूलर ही रहता है। ठीक है, ये यूनिसेल्यूलर ही रहता है, ये जायगोट फर्दर अपने आप को डिवाइड करके बड़ा नहीं करेगा, ये यूनिसेल्यूलर ही रहता है। पर अब देखो यहाँ पे 2n बन गया, 2n नजर आ रहा है, 2n नजर आ रहा है मतलब डिप्लॉइडी है, डिप्लॉइड है तो क्या हो गया, स्पोरोफाइट बन गया। ठीक है, देख रहे हो, गेमिटोफाइट से गेमीट बना, गेमीट से स्पोरोफाइट बना, पर ये स्पोरोफाइट जो है ये सिंगल सेल रहेगा, ये अपने आप को बड़ा नहीं करेगा। ठीक है, ये अपने आप को फैलाने की कोशिश नहीं करेगा, इट विल रिमेन एज अ स्पोरोफाइट, अ सिंगल सेल स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट का क्या काम है, स्पोर प्रोड्यूस करना। स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोरोफाइट 2n का है, तो 2n जब भी प्रेजेंट हो तो 2n में मियोसिस हो सकता है, 2n में मियोसिस हो सकता है। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिविजन, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिविजन, तो 2n में मियोसिस होगा, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेगा एंड दीज स्पोर्स विल हैव एनप्लॉइडी, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। क्यों हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं, क्योंकि मियोसिस हुआ है। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। अब ये जो स्पोर्स प्रेजेंट हैं, दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट, जब इनको सूटेबल मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ये सब मिलेगा तो दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट, दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट एंड दे विल अगेन फॉर्म द गेमिटोफाइट। थैलस फिर से बन गया। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट हुआ था, प्लांट बॉडी गेमिटोफाइटिक था, गेमिटोफाइट था तो हैप्लॉइड होगा। जब कभी भी हम गेमिटोफाइट लिखें तो उसका मतलब कि वो हैप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड है तो माइटोसिस होगा, माइटोसिस से गेमिटोफाइट गेमीट बनाता है, गेमीट का फ्यूजन होता है, एन प्लस एन विल मेक टू एन, टू एन से
हमारा जायगोट बनेगा। वो जायगोट क्योंकि 2N का है, डिप्लॉइड है, इसीलिए हम लोग उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे। जायगोट को स्पोरोफाइट बोलेंगे, डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में माइटोसिस, सॉरी स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा, स्पोर दोबारा से जर्मिनेट करके गेमिटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब इस स्टेज में हैप्लोइड स्टेज भी प्रेजेंट है, इस साइकिल में, इस साइकिल में डिप्लॉइड स्टेज भी प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको हैप्लोन्टिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लोइड है, एंड द स्पोरोफाइटिक जेनरेशन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द गेमिटोफाइटिक जेनरेशन फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है, तो ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है आपका, दिस इज योर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप और यस लिखो अगर समझ में आ रहा है तो। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आया? डू आई नीड टू रिपीट इट? समझ में आया? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आया तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, क्लियर है ये? लेट्स मूव ऑन टू डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देन। अब डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसमें प्रेजेंट होगा? यस, ओके ओके संगीता, ओके आयशिका। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल हमारे एडवांस प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एडवांस प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। एडवांस प्लांट्स कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो जैसे जिम्नोस्पर्म में होगा वैसे ही एंजियोस्पर्म में भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो केसेस देखते हैं। एक हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, एक ड्रॉन है, जो एंजियोस्पर्म में होगा वैसा ही जिम्नोस्पर्म में भी होता है। ठीक है, तो अभी डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल समझने पे फोकस करना। देखो, ये एक एंजियोस्पर्म है, ये एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री है। अब हम एंजियोस्पर्म में बोले हैं ये डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, तो मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा? मेन प्लांट बॉडी विल बी स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक कहने का मतलब एन या टू एन, 2N, sporophytic is always 2N, ठीक है? अब इस angiosperm में जो लोग पढ़ चुके हैं sexual reproduction in angiosperms उनको पता होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो अभी समझ लो। यहाँ पे angiosperm में एक तो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द ओवरी विच प्रोड्यूसेस ovules, जिसमें ovules होते हैं। ठीक है, और मेल पार्ट होता है दैट फॉर्म्स द एंथर्स। एंथर्स जो है वो फर्दर डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं, दैट इज द गेमीट। एंथर्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल्स के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2N होगी और मेगा स्पोर मदर सेल भी 2N होगा। ठीक है, so both of these are 2N, okay? अब इन गेमीट्स में मियोसिस होता है। ठीक है, इन गेमीट्स में मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल से, मेल की अगर बात करें पहले, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के बाद। मियोसिस हो रहा है मतलब प्लॉइडी घट जाएगा, 2N से N हो जाएगा। मियोसिस हो रहा है मतलब 2N से N हो जाएगा। अब मेगास्पोर मदर सेल में भी मियोसिस होता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो करके मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस हो रहा है मतलब 2N से N बन गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या मेगास्पोर्स होते हैं, ये अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। गेमीट तो बन चुका है, ठीक है, गेमीट बन चुका, अब ये गेमीट अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो दैट विल हैपन बाय माइटोसिस। माइक्रोस्पोर में भी माइटोसिस होगा, इट विल फॉर्म अ पॉलन ग्रेन।
मेगास्पोर में भी माइटोसिस होगा, इट विल फॉर्म अ एम्ब्रायो सैक, ठीक है, इट विल फॉर्म एन एम्ब्रायो सैक। ओके, यहां तक क्लियर है? अब जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन था, स्पोरोफाइटिक जनरेशन वॉज 2N, स्पोरोफाइटिक जनरेशन वॉज 2N, ठीक है, डिप्लॉइड था 2N था। स्पोरोफाइटिक जनरेशन में मियोसिस हुआ, स्पोर बना, कौन सा स्पोर बना, मेगास्पोर बना और माइक्रोस्पोर बना, ठीक है, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, मेगा इज फॉर फीमेल, माइक्रो इज फॉर मेल, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बना, स्पोरोफाइट से स्पोर बन चुका है, ठीक है। सो स्पोर्स आर नाउ एन, हैप्लॉइड हो जाते हैं, स्पोर्स एन है, ये जो स्पोर है फर्दर माइटोसिस करके नाउ इट विल फॉर्म द मेल गैमिटोफाइट एंड द फीमेल गैमिटोफाइट, ठीक है, ये जो माइटोसिस कर रहे हैं तो माइटोसिस से पॉलन ग्रेन्स जो बनता है हमारा, पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमिटोफाइट एंड एम्ब्रायो सैक इज द फीमेल गैमिटोफाइट। अब देखो, स्पोरोफाइट से स्टार्ट हुआ था, 2N से स्पोर्स बना, स्पोर्स के बाद माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद गैमिटोफाइट बन गया। सो गैमिटोफाइट हम जब भी बोले मतलब हैप्लॉइड है, ठीक है ना, हैप्लॉइड। अब ये गैमिट्स बनाएगा, मेल गैमिटोफाइट मेल गैमिट बनाएगा, फीमेल गैमिटोफाइट विल मेक फीमेल गैमिट, ठीक है, गैमिटोफाइटिक स्टेज है ये। अब इन गैमिट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा गैमिट्स का, फर्टिलाइजेशन होगा गैमिट्स का टू फॉर्म अ जायगोट। फर्टिलाइजेशन जब भी होता है दैट इज एन प्लस एन मेक्स टू एन, एन प्लस एन मेक्स टू एन, ठीक है, जायगोट बन गया, जायगोट दोबारा से हमारा 2N स्टेज में आ गया एन प्लस एन के कॉम्बिनेशन से। अब ये जायगोट एम्ब्रायो बनाएगा, एम्ब्रायो से सीड बनेगा, सीड जो है वो फर्दर जर्मिनेट करेगा और ये न्यू प्लांट बनाएगा, ठीक है। तो एक मेन प्लांट बॉडी है विच इज स्पोरोफाइटिक, वो जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज प्रोड्यूसिंग स्पोर, मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर। द माइक्रोस्पोर विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म पॉलन ग्रेन, द मेगास्पोर विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रायो सैक। माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन और एम्ब्रायो सैक जो है वो हमारे गेमिटोफाइट्स हैं, तो वो गेमिट्स बनाएंगे, ठीक है, गेमिटोफाइट गेमिट बनाता है, एन गेमिट्स बनाएंगे वो, एन प्लॉइडी के गेमिट्स, एन और एन फ्यूज करेगा, दैट विल फॉर्म 2N, 2N से जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो विल फॉर्म सीड, सीड विल अगेन जर्मिनेट टू फॉर्म द स्पोरोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, सो दिस इज अ स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म एंड द लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, ये समझ में आया, बताओ अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आया तो। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया ये बताओ। समझ में आया, बताओ बताओ। ओके, कोई कंफ्यूजन, किसी को नहीं समझ में आया, कोई भी सेगमेंट रिपीट करना है, डन डन, ओके गुड गुड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, उसके बाद उसमें हम लोगों को टेरिडोफाइटा वगैरह के बारे में पढ़ना है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज जो है वो दोनों ही काम कर रहा होगा साथ के साथ, दोनों ही कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा होगा। सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लॉइड साइकिल और डिप्लॉइड साइकिल को आई वॉन्ट यू टू रिवाइज, ठीक है,
तो आज हम लोग हैप्लॉइड और डिप्लॉइड तक ही रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, वी विल बी स्टडिंग अबाउट हैप्लो डिप्लॉन्टिक साइकिल. बट आज के क्लास के बाद आई वॉन्ट यू टू रिवाइज हैप्लॉन्टिक साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक साइकिल. अगर हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक समझ जाओगे तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक में कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, तो हैप्लॉइड साइकिल हम लोग किसमें देखे? हैप्लॉन्टिक साइकिल वॉज सीन इन एल्गी. डिप्लॉन्टिक साइकिल वॉज सीन इन द हाइएस्ट ऑर्गेनिजम्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म का ड्रॉ किए थे, जिम्नोस्पर्म का भी सेम साइकिल होता है. ठीक है, तो लोएस्ट का हम लोग देख चुके हैं, दैट वॉज एल्गी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हाइएस्ट, मोस्ट एडवांस्ड का हम लोग देख चुके हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ओके, नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विथ बीच के जो दो हैं, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. तो कल की क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. एट द सेम टाइम आई वॉन्ट यू टू रीड द सेगमेंट ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एल्गी. इन सबका जो लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, एटलीस्ट एल्गी और ब्रायोफाइटा का तो पढ़ के रखना ही रखना. एल्गी ब्रायोफाइटा का पढ़ के रखना, ठीक है? जितना रीड कर सको उतना कल की क्लास में आप ही को बेनिफिट होगा. वी कैन गो स्मूथली इन टुमारोज क्लास. तो प्लीज बी प्रेजेंट टुमारो, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग हैप्लो डिप्लॉन्टिक साइकिल, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है. ओके, सो वी विल कीप इट टिल हियर फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू नाउ इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक साइकिल से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल बी लुकिंग एट द एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स. एल्गी, ब्रायोफाइटा, इन सबको इंडिविजुअली देख लेंगे, जो कुछ भी बचा हुआ होगा. ठीक है, ओके देन, थैंक यू.